नमस्कार जी, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे VS Education Hub में। आशा करता हूँ आप बहुत अच्छे होंगे और आपकी प्रिपरेशन भी बहुत अच्छी होगी। माय डियर स्टूडेंट्स, आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में हमेशा की तरह अपन बात करेंगे इम्पोर्टेंट करंट अफेयर रिलेटेड न्यूज। माय डियर स्टूडेंट्स, न्यूज कोई भी हो जो आपके एग्जाम्स में आ सकती है, चर्चित किन किन व्यक्तियों का निधन हुआ है, किन किन व्यक्तियों का अपॉइंटमेंट हुआ है, इंटरनेशनल न्यूज क्या है, आज क्या इम्पोर्टेंट है, जो भी एग्जाम्स ओरिएंटेड क्वेश्चंस रहते हैं उन सभी की मैं न्यूज यहाँ पर डिस्कस करता हूँ। ओके, तो वीडियो को पूरा देखिएगा, कंप्लीट सेशंस देखिएगा। अगर आपको कोई डाउट्स लगे, कोई चीज नहीं समझ में आती, तुरंत टाइप करिएगा कमेंट बॉक्स में। ओके, वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। एंड बिफोर दैट, अगर आप चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं, चैनल्स को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले सब्सक्राइब करें ताकि कोई भी लेटेस्ट वीडियो अपलोड हो आपको तुरंत नोटिफिकेशंस मिल जाएगा। ओके, प्लीज डू सब्सक्राइब द चैनल्स। अच्छा लगे लाइक कर दीजिएगा, इम्पोर्टेंट लगे तो औरों के साथ शेयर कर दीजिएगा। कोई भी एग्जाम्स हो, बैंक का हो, SSC का हो, रेलवे का हो, NTPC हो या अदर कोई स्टेट लेवल की भी आप तैयारी कर रहे हैं, सभी में आपकी बहुत काम आएगा वीडियो। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। ये देखिए, मैं मंथली बेसिस पे इम्पोर्टेंट PDF बनाता हूँ जो आपकी प्रत्येक एग्जाम्स में काम आने लायक है, राइट। ये मार्च महीने के टॉप 100 क्वेश्चंस, जिसमें आपको स्टैटिक GK मिलेगा, बैंकिंग अवेयरनेस मिलेगा, अफेयर्स करंट अफेयर्स मिलेंगे, डेज बेस पर क्वेश्चंस मिलेंगे, राइट। कौन कौन सी पुस्तकें रिलीज हुई है उन सभी के बारे में मिलेगा। ऑल ओवर कंप्लीट 100+ क्वेश्चंस है ना, सारे के सारे अच्छे क्वेश्चंस है, सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। एक बार PDF देखिएगा, डाउनलोड करिएगा, नीचे कमेंट बॉक्स में मेंशन करिएगा सर हमको PDF चाहिए, मैं आपको दे दूंगा। ओके, एक टॉपिक वह मैं वीडियो बनाता हूँ जिसमें मार्च मंथ का ये टॉप मार्च मंथ यानी कि जो मंथ एंड हुआ है, किन किन व्यक्तियों का अपॉइंटमेंट हुआ है और किन किन व्यक्तियों का रेजिग्नेशन हुआ है मार्च महीने में, राइट। उन सभी का डिटेल्स में एक साथ मैंने यहाँ पर दिया है, राइट। देख लीजिएगा, जो बैंक की तैयारी कर रहे हैं उनमें उनको पता होना चाहिए अपॉइंटमेंट रेजिग्नेशन के क्वेश्चंस बहुत पूछे जाते हैं। ओके, अगर सर मेरे को जनवरी मंथ देखना है, सर मेरे को फरवरी मंथ देखना है, कमेंट बॉक्स में टाइप कर दीजिएगा, अदरवाइज डिस्क्रिप्टिव बॉक्स में लिंक अवेलेबल है, डायरेक्ट जाके देख सकते हैं। ओके, उसी प्रकार मैंने बुक स्पेस पर कौन कौन सी बुक रिलीज हुई है मार्च महीने की और कौन इसके लेखक है उनका वर्णन, उसी प्रकार डेज, कौन कौन से डेज मार्च महीने में, अभी रिसेंट में जो SSC CHSL, जो एग्जाम्स हो रहे हैं मार्च महीने में, मैंने जो वीडियोज अपलोड किया था सेपरेट यानी कि यह वीडियो, राइट। तो उस वीडियो में से माय डियर स्टूडेंट्स बहुत सारे क्वेश्चंस देखने को मिले थे, राइट। एक वाटर सिटी के बारे में पूछा गया था, वह आपकी मार्च जो अभी रिसेंट में SSC CHSL का एग्जाम्स हुआ था, एक आपके वैक्सीनेशन डेज के बारे में पूछा गया था, सब कुछ मैंने इस PDF में करवाया है, देख लीजिएगा इस वीडियो में। ये आपकी ऑब्चुरीज है यानी कि किन किन व्यक्तियों का निधन हुआ है उन सभी के बारे में एक साथ एक मुश्त मैंने यहाँ पर दिया है। ओके, तो आप जरूर देखिएगा एक बार। नेक्स्ट आते हैं इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस पे, यानी कि जो मैंने होमवर्क क्वेश्चंस दिया था आप सभी को, प्रत्येक वीडियो में मेरा एक क्वेश्चन होमवर्क रहता ही है। हु वॉज अपॉइंटेड एज BCCI एंटी करप्शन यूनिट चीफ रिसेंटली, राइट। BCCI के द्वारा भ्रष्टाचार निरोधक इकाई के प्रमुख के रूप में किसको नियुक्त किया गया है, यानी कि जो BCCI अपने इंडिया का जो क्रिकेट बोर्ड है उसके द्वारा किसको एंटी करप्शन यूनिट के चीफ के रूप में नियुक्त किया है, तो वह नियुक्त हुए हैं दैट इज द सबीर हुसैन। डी ऑप्शंस आपका बिल्कुल सही आंसर होगा, याद रखिएगा
रिसेंट में बीसीसीआई के जो चीफ हैं वो सौरभ गांगुली हैं, याद रखिएगा, सचिव के रूप में, महासचिव के रूप में जय शाह कार्यभार देख रहे हैं। बीसीसीआई का हेडक्वार्टर है बॉम्बे महाराष्ट्र में, बॉम्बे महाराष्ट्र में इसका हेडक्वार्टर है। इसकी जो चीफ है वो है सौरभ गांगुली। जय शाह इज द जनरल सेक्रेटरी ऑफ बीसीसीआई। क्लियर, समझ में आया आपको? तो प्लीज एक बार थम्सअप बटन पे जरूर क्लिक कर दीजिएगा। और एक बार और कह दूं, प्लीज आंसर जरूर दें। कोई भी क्वेश्चंस अगर आपको पूछा जाता है, जीके को हमेशा के लिए अपडेट करते रहिए, एवरी डे अपडेट करिए, ताकि कभी भी आप भूलोगे नहीं। रट्टा मारोगे, रट्टाफिकेशंस करोगे, 100% आपके दिमाग से निकल जाएगा। ओके, आज एक इम्पॉर्टेंट बर्थ एनिवर्सरी है जिसको अपन जन्म जयंती के रूप में जाने जा कहते हैं। तो आज है 14th of April, यानी कि 14 अप्रैल। मेरे सभी प्यारे स्टूडेंट्स को पता होना चाहिए 14 अप्रैल को डॉक्टर बाबा शाह भीमराव अंबेडकर जी की आज जन्म जयंती है, राइट? तो भीमराव अंबेडकर जी, आप सब परिचित हैं इनके बारे में, परिचय या इनकी जो बायोग्राफी, एक तरह से इनका जो इनका जो परिचय है जीवन का, उनको आपको पढ़ना चाहिए। सब परिचित हैं आपको, सबको पता है कौन है भीमराव अंबेडकर, बट फिर भी इनकी जो बायोग्राफी है, इन्होंने जो बुक्स लिखी हैं, उनके बारे में एक बार जरूर पढ़िएगा, राइट? संविधान निर्माता भी इनको कहा जाता है। इनका जन्म हुआ था 14th of April। SSC में कभी उम्र क्वेश्चंस पूछा जाता है तो 14th of April, 14 अप्रैल को 1891, राइट? 14 अप्रैल 1891 को, यानी कि 1891 को इनका जन्म हुआ था, बट इनकी जो मृत्यु हुई थी, राइट, तो वह हुई थी, दैट इज द 6th of December 1956 को, राइट? तो ये कभी कभार देखिए रिसेंट में न्यूज में है भीमराव अंबेडकर, क्योंकि अभी जन्म जयंती कही है, तो उससे रिलेटेड SSC के जो एस्पिरेंट्स हैं, जो CHSL का एग्जाम्स दे रहे हैं, उनके लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, राइट? क्योंकि मेरे वीडियो में सभी कम्पिटिटिव एग्जाम्स को मैं कवर करके चलता हूँ, एक एक चीज उनके साथ एक्सप्लेन कर रहा हूँ। ओके, तो 1891, राइट, 1891, राइट, 14th of अप्रैल, 14 अप्रैल को, 6 दिसंबर 1956 को इनका निधन हुआ था। ओके, क्लियर? तो 14 अप्रैल को भीमराव अंबेडकर जी की जयंती पर अपन बनाते हैं। ओके, तो अभी तक अपन ने अप्रैल मंथ में कौन कौन से डेज एक बार रीड आउट कर लिए हैं, ध्यान से समझिएगा। पहला पढ़ा था उत्कल दिवस, उत्कल दिवस जो कि आपने 1 अप्रैल यानी कि 1 अप्रैल को उत्कल दिवस के रूप में उड़ीसा अपना स्थापना दिवस बनाता है, उड़ीसा स्टेटहुड दिवस के नाम से भी अपन जाने सकते हैं, ये याद रखिएगा 1 अप्रैल को। फिर आता है वर्ल्ड ऑटिज्म अवेयरनेस डे, राइट, वर्ल्ड ऑटिज्म अवेयरनेस डे, जो कि 2nd of April को, जो बच्चों में रोग होता है वह आपके बनाया जाता है, उनके प्रति जागरूकता फैलाने के लिए यह दिवस बनाते हैं, वर्ल्ड ऑटिज्म अवेयरनेस डे, याद रखिएगा, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, एग्जाम्स में क्वेश्चंस यहाँ से बन सकता है, तो प्लीज नोट डाउन जरूर कर लीजिएगा। ओके, फिर आता है 7th of अप्रैल, राइट, वर्ल्ड हेल्थ डे, विश्व स्वास्थ्य दिवस, जो कि आपकी 7 अप्रैल को बनाते हैं। उसके बाद आता है 10th of अप्रैल, इस दिन आपकी वर्ल्ड होम्योपैथी डे, राइट,
होम्योपैथी दे, जो एक फ्रांस फ्रांस के जो फिजिशियंस हैं उनकी जन्म जयंती पर यह दिवस बनाते हैं। होम्योपैथी दे, जो जापान के फिजिशियंस हैं उन्होंने ही होम्योपैथी की आविष्कार किया था, याद रखिएगा। आपको नाम बताना है कमेंट बॉक्स में, जिससे पहले वाले वीडियो में मैं आपको बता चुका हूँ, प्लीज आप कमेंट बॉक्स में जरूर टाइप करिएगा। ओके, नेक्स्ट आ जाते हैं आज की इम्पोर्टेंट न्यूज पे। फर्स्ट ऑफ ऑल से चंद्र अपॉइंटेड चीफ इलेक्शंस कमिश्नर्स, सुशील चंद्रा। एक बात का ध्यान रखिए, सुशील चंद्रा नाम को अच्छे से दिमाग में बैठा लीजिए, क्वेश्चंस आपको घुमा के पटक सकता है कि सुशील चंद्रा किसकी क्या बने हैं रिसेंट में। तो वह बने हैं चीफ ऑफ इलेक्शन कमिश्नर्स, अपने भारत का जो चुनाव आयोग है उसके प्रमुख बने हैं सुशील चंद्रा। अब आपके दिमाग में क्वेश्चंस आ रहा होगा, सर इनसे पहले कौन था? तो इनसे पहले थे सुनील कुमार। राइट, सुनील कुमार, उनका जो टेन्योर है वह आपकी 12 अप्रैल को कंप्लीट हो चुका था, पर उसके बाद इन्होंने शपथ ली है। कौन दिलवाता है इलेक्शंस कमिश्नर्स को शपथ? इलेक्शंस कमिश्नर को शपथ, चीफ ऑफ इलेक्शंस कमिश्नर को, तो वह दिलाते हैं भारत देश के राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट, जो भी हो। अभी रिसेंट में रामनाथ कोविंद जी है, तो इन्होंने इनको दिलाई थी शपथ। ओके, ये नियुक्त हो चुके हैं इलेक्शंस कमिश्नर्स के रूप में, चीफ ऑफ इलेक्शंस कमिश्नर्स के रूप में। इनसे पहले थे सुनील अरोड़ा। एंड सुनील अरोड़ा, इनका नाम है सुशील चंद्र। ओके, कंफ्यूज मत होइएगा, चीज का ध्यान से पढ़िएगा, अच्छे से देखिएगा। ओके, नेक्स्ट है एक मिलिट्री एक्सरसाइज हुई थी, जो कंप्लीट हो चुकी है, 4 अप्रैल से स्टार्टिंग हुई थी, 12 अप्रैल तक ये पूरी की पूरी एक्सरसाइज कंप्लीट हुई है। तो इस एक्सरसाइज का नाम दिया गया था, दैट इज द शांति ऑर्गेनाइज ऑर्गोशन ऑग्रोशन। शांति ऑग्रोशन एक मिलिट्री एक्सरसाइज है, एक मल्टीनेशनल्स मिलिट्री एक्सरसाइज है, जिसमें यूके की आर्मी, रसिया की, टर्की की, यूएस की, सऊदी अरेबिया की, कुवैत की, सिंगापुर की, इस सारे की सारे में आर्मीज हैं, एक इन्होंने पार्टिसिपेट किया था। ओके, तो ये मिलिट्री एक्सरसाइज है, बांग्लादेश में हुई थी, याद रखिएगा, नेम याद रखिएगा, कौन कौन से पार्टिसिपेट किए हैं वह भी आप जरूर ध्यान रखिएगा। मेन क्या है, मेन मोटो इनका यही था, डिफेंस को मजबूत बनाना। मेन मोटो यही था। ओके, बांग्लादेश की कैपिटल ढाका है, टाका इज द करेंसी ऑफ बांग्लादेश, शेख हसीना वहां की प्राइम मिनिस्टर से। क्लियर होता जा रहा है, तो यस लिखिए चलिएगा कमेंट बॉक्स पे। अब कुछ ऑबिचुरीज है, देख लीजिएगा। पाकिस्तान ह्यूमन राइट्स आइकॉन आई ए रहमान डेड, यानी कि पाकिस्तान की जो मानवाधिकार है, जो मानवाधिकार पर्टिकुलर जो मानव के अधिकार हैं उनके प्रति जागरूकता फैलाने, एक ह्यूमन राइट आइकॉन्स के नाम से जाने जाते थे आई ए रहमान, उनका निधन हो चुका है, पाकिस्तान से थे, याद रखिएगा। एग्जाम्स में आपको क्वेश्चंस पूछा जा सकता है, आई ए रहमान किस कंट्री से बिलोंग करते थे, रिसेंट में न्यूज में थे, तो याद रखिएगा आई ए रहमान पाकिस्तान से बिलोंग करते थे और आपकी एक ह्यूमन राइट आइकॉन के रूप में भूमिका निभाते थे। ठीक है, इज इट क्लियर, समझ में आया आपको? तो थम्स अप देते चलिएगा, कोई चीज डाउट लग रही है कमेंट बॉक्स में यस करते चलिएगा। ओके, नेक्स्ट देखिए, एक और ऑबिचुरी है, दैट इज द फॉर्मर बीजेपी एमएलए, यानी कि मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, पास्कल झाराने। पास्कल झाराने, जिनका निधन हो चुका है। यह एक एमएलए है, विधायक जिसको शॉर्ट में कहते हैं, किसकी पार्टी से? बीजेपी पार्टी से। कहाँ से? महाराष्ट्र से बिलोंग करते हैं, कोविड-19 की वजह से इनका निधन हो चुका है। ओके,
क्लियर। पॉलिटिशियंस हैं तो डेफिनेटली पार्टी से क्वेश्चंस पूछ सकता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट वन मोर ऑबिचुरीज हैं, दैट इज द बलवीर सिंह, जिनका भी निधन हो चुका है। एशियंस गेम्स में इंडियंस हॉकी टीम में एक सिल्वर मेडल के रूप में जीत चुके हैं, राइट, 1958 में, 1958 में जो एशियंस गेम्स हुए थे उसमें सिल्वर मेडल के रूप में, सिल्वर मेडल इनको मिला था। ओके, सिल्वर मेडल इनको मिला था, दैट इज द बलवीर सिंह, राइट। देखिए अब इस ऑबिचुरी में दो तीन क्वेश्चंस बनते हैं। पहला तो पूछेगा आपसे कि बलवीर सिंह किस, यानी कि उनका पर्टिकुलर कहाँ से बिलोंग करते हैं, कि स्पोर्ट्स पर्सन्स, पॉलिटिशियंस, म्यूजिशियंस, सिंगर्स, इस टाइप के ऑप्शंस डालेगा स्पोर्ट्स पर्सन से। सेकंड थिंग पूछ सकता है कि बलवीर सिंह एक खिलाड़ी हैं तो कौन से खेल से बिलोंग करते हैं, क्रिकेट, फुटबॉल, हॉकी, इस टाइप के ऑप्शंस होंगे। तो याद रखिएगा ये हॉकी से बिलोंग करते हैं। ओके, क्लियर, समझ में आया। यहां से इतने ही क्वेश्चंस बन सकते हैं। नेक्स्ट देख लीजिए, नेक्स्ट है भुवी, यानी कि भुवनेश्वर कुमार, सभी परिचित हैं, इंडियन टीम के एक स्विंग मास्टर के रूप में जाने जाते हैं, राइट, स्विंग के किंग के रूप में जाने जाते हैं भुवनेश्वर कुमार। इनको आईसीसी इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल अबू धाबी में इसका हेडक्वार्टर है, जिन्होंने आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ, जो मार्च मंथ गया है उसके रूप में जाना गया है, उनको दिया गया है। यानी कि बैक टू बैक तीन ऐसे टाइम्स हो गए हैं जो कि आईसीसी का मेंस का जो प्लेयर ऑफ द मंथ है वह आपकी इंडियंस टीम को या इंडियंस किसी प्लेयर को मिला है। ओके, इज इट क्लियर, समझ में आया आपको? तो समझ में आया तो लाइक बटन पर प्रेस करना मत भूलिएगा, शेयर करना मत भूलिएगा, राइट, कि हाँ सर हमने शेयर कर दीजिएगा, कमेंट बॉक्स में टाइप कर दीजिएगा। ओके, तो ये तो थी आपकी सारी की सारी इम्पोर्टेंट न्यूज, आई होप आपको अच्छी लगी होगी। क्वेश्चंस बहुत देखने को मिले हैं, आगे भी मिलेंगे और मिलते भी रहेंगे। ओके, तो प्लीज़ जरूर देखिएगा वीडियोज को भी अच्छे से, लास्ट वीडियोज। एथलीट ज्योति चंद इज टू बी फेलिसिटेटेड बाई विच स्टेट विथ वीरनी अवार्ड, वीरनी अवार्ड है, वीरानी अवार्ड है, राइट, तो वह एथलीट ज्योति चंद को दिया गया है। तो यह किस राज्य ने, किस राशि से यह दिया जाएगा, याद रखिएगा, यह कमेंट बॉक्स में आपको आंसर देना है। ऑप्शंस आपके सामने हैं, क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नहीं समझ में दोबारा रिपीट कर देता हूँ। एथलीट द्वितीय छंद है, इज टू बी फेलिसिटेटेड बाय विच स्टेट विद वीरानी अवार्ड। ओके, कमेंट बॉक्स में इसका आंसर जरूर मेंशन करिएगा। तो वीडियो को एंड अप करते हैं, अच्छा लगा आपको वीडियो तो लाइक करना मत भूलिएगा, मोटिवेशंस मिलता है, शेयर करना मत भूलिएगा कि हाँ सर हमने शेयर कर दिया है, स्टूडेंट की हेल्प होती है। सब्सक्राइब नहीं किया चैनल्स को तो पहले सब्सक्राइब जरूर करिएगा ताकि कोई भी लेटेस्ट वीडियो है ना आपको तुरंत मिल जाएगी। ओके, थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। आई होप यू आर एंजॉय द सेशंस, इफ आई एंजॉय द सेशंस तो प्लीज हिट द लाइक बटन, शेयर द वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल्स। ओके, प्लीज डू सब्सक्राइब माई चैनल्स। ओके, मिलते हैं किसी ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए, ख्याल रखिए, सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए और अपने परिवार का भी जरूर ध्यान रखिए, और स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, डेली जी के पढ़ते रहिए।